चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में एक खबर डीएनए ने प्रकाशित किया है, जिसके कारण निरहुआ के फैंस बेहद ज्यादा नाराज हो गए। डीएनए खबर के मुताबिक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शराब के नशे में धुत होकर फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदतमीजी किया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर ये मामला प्रकाश में आया। निरहुआ एक एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी से पेश आए, जिसके कारण से बवाल मच गया है। डीएनए में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना पिछले महीने 28 जुलाई की है। कई सारे भोजपुरी कलाकार लंदन में होने वाले भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे थे, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ भी थे। शराब के नशे में चूर होकर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक एयरहोस्टेस के साथ बदसलूकी करने लगे, जिसके कारण फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर को परेशानी होने लगी। इस घटना के एक चश्मदीद ने बताया कि फ्लाइट निकलने तक दिनेश लाल यादव पूरी तरीके से नशे में थे। वो बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे और गुस्से में भी थे। उन्होंने एक एयरहोस्टेस के साथ बदतमीजी भी की। बात काफी बढ़ती जाती अगर दिनेश लाल यादव के सह यात्री बीच में ना पड़ते। इस वजह से दिनेश लाल यादव को जेल भी जाना पड़ सकता था, पर सभी के समझाने पर उस एयर होस्टेस ने पुलिस कंप्लेन ना करते हुए बात मान ली। दिनेश लाल यादव की इस हरकत से सभी पैसेंजर शर्मिंदा हो गए। दिनेश लाल यादव निरहुआ को पूरी इंडस्ट्री इज्जत करती है। किसी को भी दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में लिखे न्यूज पर भरोसा नहीं होता है। अब असलियत क्या है पता नहीं। भोजपुरी गॉसिप्स की टीम खुद आश्चर्य में है कि यह न्यूज कितना सही है और कितना गलत है।